जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म जोगीरा सारा राम में इमेज से हटकर रोमांटिक किरदार में नजर आते हैं। फिल्म में नवाज का ये अंदाज दर्शकों को लुभाने में कितना कामयाब होता है, जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के रिव्यू पर। फिल्म की शुरुआत लखनऊ के रहने वाले जोगी प्रताप उर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो शानदार इवेंट्स नाम से एक कंपनी चलाता है जो शादियां कराती है। जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता, इस बात का उसको काफी फक्र है। एक शादी के दौरान जोगी की मुलाकात डिम्पल चौबे यानी नेहा शर्मा से होती है। वो काफी मॉडर्न विचार की है, वो सिगरेट पीती है, शराब पीती है और झूठ बोलने से भी कभी नहीं चुकती। डिम्पल एक शादी समारोह में घुस जाती है जिसे जोगी ने ऑर्गेनाइज किया था। जब वो पकड़ी जाती है तो वो एक कहानी बनाती है और जोगी को ही ठग कर उससे पैसे ऐंठ लेती है। जोगी अपनी चार बहनों माँ और मौसी के साथ रहता है। वो परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य है और उसे लगातार परिवार की जाने वाली मांगों का सामना करना पड़ता है। जोगी सेंसिटिव, केयरिंग और प्यार करने वाला शख्स है, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं है। जोगी का एक नया क्लाइंट चौबे परिवार है। शादी के लिए उसके घर की सजावट के दौरान उसे फिर डिम्पल मिलती है। जोगी को पता चलता है कि डिम्पल काफी अमीर है और शादी करने वाली है, लेकिन डिम्पल अपने होने वाले दूल्हे लल्लू से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो बोरिंग है और सिंपल है और वो उससे प्यार भी नहीं करती है। धीरे धीरे जोगी और डिम्पल के बीच कनेक्शन मजबूत बनता जाता है। डिम्पल और जोगी शादी को तोड़ने की साजिश करना शुरू कर देते हैं। जोगी लल्लू और उनके परिवार के दिमाग में गलत विचार डालना शुरू कर देता है, उनसे दहेज मांगने को कहता है, लेकिन हर चाल फेल हो जाती है। आखिरकार जोगी और उनके साथ ही शादी तोड़ने के लिए डिम्पल को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो लोकल चौधरी गैंग के किडनैपिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि एक गैंग ने डिम्पल का अपहरण कर लिया है। डिम्पल जोगी और उसके परिवार के साथ रहना शुरू कर देती है और पाती है कि वो जोगी के साथ खुश है। शादी को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन डिम्पल के परिवार को पता चलता है कि अपहरण के पीछे जोगी का हाथ है, इसलिए वो जोगी को डिम्पल से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। जोगी, जो किसी से शादी नहीं करना चाहता, अपनी खुद की शादी को तोड़ने की योजना बनाना शुरू कर देता है। इस बीच डिम्पल को रियल में चौधरी गैंग अगवा कर लेती है और मामला दंगे में बदल जाता है। आगे जो होता है वो दिल छू लेने वाला है, जिसे नवाज और नेहा ने परफॉर्मेंस के साथ और मजेदार बनाया है। डिम्पल के रूप में नेहा ने एक भी बीट मिस नहीं की। जोगी की माँ के रूप में जरीना वहाब ने शानदार काम किया है। चौधरी गैंग के लीडर चाचा चौधरी का छोटा सा रोल है, लेकिन उन्होंने दमदार एक्टिंग की है। फिल्म पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी अश्लील नहीं है। ये परिवार के साथ देखने लायक शानदार मूवी है। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो प्लान जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।